हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र बैंक ओटीपी नॉट रिसीव। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में आपको कुछ सेटिंग्स है वो करके दिखाएंगे। तो आप सेम वही सेटिंग्स कर लीजिएगा, देन आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसे सेटिंग करना है जिसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड आपको जो भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है वो हो जाए। तो सबसे पहले जो है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का नेटवर्क के सेटिंग जो है उसको सर्च करना है, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे एंड में देखिए आ रहा है क्लियर कैक, तो यहाँ से इसका आपको क्लियर कैक कर लेना है। और फिर उसके बाद बैक चले जाइए, यहाँ पर आपको फ़ोन सर्च करना है। फ़ोन सर्च करने के बाद यहाँ पर फ़ोन एंड मैसेजिंग स्टोरेज जो है इसका आपको क्लियर कैक करना है। इसका क्लियर कैक करने के बाद बैक चले जाइए एंड फिर यहाँ पर आपको सिम टूल किट सर्च करके यहाँ से इसका आपको क्लियर डेटा करना है, ठीक है। देखिए एंड में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसका क्लियर ऑल डेटा जो है उसको कर देना है। उसके बाद फिर से बैक चले जाइए एंड सेटिंग्स का जो ये होम पेज है, यहाँ आने के बाद स्क्रॉल अप करके कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाइए, ठीक है। कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाने के बाद सबसे एंड में देखिए ऑप्शन आ रहा है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे एंड में ऑप्शन है रीसेट सेटिंग्स। अपने मोबाइल की सिर्फ नेटवर्क की जो सेटिंग है उसको आपको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आप जो भी ओटीपी आपको रिसीव नहीं हो रहा था वो बहुत इजीली आपको रिसीव होने लग जाएगा। फ्रेंड्स, तो अगर आपको इन फ्यूचर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यही सेम सेटिंग्स को फिर से अपने डिवाइस में कर लीजिएगा, तो देन आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा।